हाय हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, हरियत से होंगे। तो गाइस, जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा उनका दिल से थैंक यू सो, जिन्होंने नहीं किया वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर भी मुझे फॉलो करें। तो गाइस, हमारी एंट्री हो चुकी है कर्नाटका में, चेक करें यहाँ का व्यू। तो गाइस, फाइनली कर लिया हमने महाराष्ट्र पार और पहुँच चुके हैं हम कर्नाटका में। ये है कुछ कर्नाटका की एंट्री हमारी, और ऐसा है कुछ यहाँ का देखने को आपको व्यू मिलेगा। ये फूल वगैरह वाइट और रेड तो पीछे रोड में हर जगह थे, लेकिन कर्नाटका में ये थोड़े से कम देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे येलो ज्यादा है, सिल्की 15 किलोमीटर। भाई कुछ इस तरह का व्यू है कर्नाटका का। अभी हमारी एंट्री हुई है और आगे हम दिखाते रहेंगे। अभी हमें बंगलुरु तक जाना है, जैसी भी लोकेशन होगी हम बताते रहेंगे। ये सामने रहा बाजरे का खेत, और यहाँ पे छोटी छोटी मक्की भी है, उस साइड में गन्ना भी है थोड़ा बहुत। तो गैस, बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, प्यारी सी गुड मॉर्निंग आप सबको, और चेक करें यहाँ का व्यू। यहाँ पे जो ये फैन है, विंड फैन, बहुत बड़े बड़े और बहुत ज्यादा लगे हुए यहाँ पे, इतने ज्यादा हैं बात मत पूछो। और इस साइड में सामने रहे नारियल के पेड़, बहुत ज्यादा नारियल बहुत ज्यादा इस साइड में होता है। और चेक करें गाइस फैन यहाँ पे पहाड़ी पे, देखो कितने ज्यादा फैन लगे हुए हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा है। तो गाइस, फाइनली हम बंगलोर पहुंचने वाले हैं, और थोड़ा ही दूर बंगलोर रह गया। ये सामने रहा आपके बोर्ड, बंगलोर 188 और चेन्नई 535। पहुंचने वाले हैं बंगलोर लगभग 3-4 घंटे में पहुंच तो जाते, लेकिन अभी दिन का टाइम है, हम देखेंगे दिन में रुकेंगे कहीं, वहाँ पे न्यू एंट्री है, गाड़ी तो सिटी में रात को जाएगी, तो हमें दिन को कहीं पे रुकना पड़ेगा। बीते दिन को कहीं रास्ते में नहाए धोएंगे, कपड़े वपड़े धोएंगे, तो वहाँ से थोड़ा लेट निकलेंगे, ताकि रात को 9 बजे न्यू एंट्री खुलती है, तो 9 बजे रात को सिटी में हम एंटर हो जाएंगे। लोकेशन यहाँ की बहुत प्यारी, यहाँ की लोकेशन भी है यार, बात मत पूछो। यहाँ की लोकेशन जो है ना, ये रही आपके सामने, चेक करें, बहुत प्यारा है कर्नाटका। बस इसमें अगर कमी है तो वो एक चीज की के यहाँ पे जो मौसम है, बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ। आज हमारे वहां पे बर्फबारी हो रही है, कितनी सर्दी हो रही है, कितना कुछ हो रहा है, और यहाँ पे टेम्परेचर 36, 37, 38 39 लगभग टेम्परेचर जा रहा है। कल दिन में 38 टेम्परेचर था और रात में 24। हमारे वहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरे गांव में कल दिन को मैं चेक कर रहा था, दिन को टेम्परेचर 10 था और रात को 1 या 2 होगा। तो यहाँ पे रात में 24 है और दिन में 38-39 के लगभग अभी आज के टाइम में है। आज फरवरी 6 है, तो आज अगर इतना टेम्परेचर है तो लगा लो आइडिया के जब हमारे वहां पे गर्मी होती तब यहाँ पे कितनी गर्मी होती होगी। बस गर्मी यहाँ पे बहुत होती है, बाकी लोकेशन बहुत प्यारी है, ये भी बहुत प्यारी जमीने भी है यहाँ पे, फसल के लिए भी बहुत प्यारी जमीने है। ये यहाँ पे जो बंगलोर के पास हम पहुंच चुके हैं, अभी लगभग 50 किलोमीटर के लगभग बंगलोर है, और यहाँ पे हम करेंगे स्टे, क्योंकि टाइम हो गया है 11:30 का, और हमें लगभग शाम को 9 बजे एंट्री खुलेगी, फिर सिटी में एंट्री होगी हमारी। तो तब तक के लिए हमें दिन भर कहीं पे स्टे करना है, वहाँ पे हम नहाएंगे, कपड़े वपड़े धोएंगे और फ्रेश होकर रहेंगे, और शाम को ठीक 7 से 8 बजे यहाँ से निकल जाएंगे और सिटी में एंटर हो जाएंगे 9 बजे। तो गैस, ये सामने चेक करें, हम बंगलोर के बिल्कुल पास पहुँच गए, और ये रहे सामने नारियल के पेड़। नारियल तो इस साइड में बहुत हद से ज़्यादा होता है। और गैस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं बेंगलोर जहाँ पे हाली करना है, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, और ये रहा सामने एडवर्टाइज हेल्थ केयर, यहाँ पे हमने हाली करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।